खबर यमुना घाटी से है। यहां बरकोट नगर पालिका में पेयजल संकट से निजात पाने के लिए पिछले 23 दिनों से क्रमिक धरना जारी है और इसी कड़ी में आक्रोशित आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकारी और गैर सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की और पेयजल पंपिंग योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग उठाई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट में 4 महीने से भीषण जल संकट है। आंदोलनकारियों ने 6 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। बिल्कुल, ये एक ऐसी विडंबना हो गई है कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। बड़कोट की दशा ये हो गई है कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा सब परेशान हैं पानी को लेकर के, और कई वार्ड हमारे ऐसे हैं जहां जो है टैंकर भी नहीं जा सकते। आप उनके दिलों से पूछो कि रात दिन वो लोग जो हैं सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि आखिर हमें पानी की एक बाल्टी कब मिलेगी। सरकार से गुजारिश हमारी लगातार हम लोग कर रहे हैं, 6 जून से तहसील परिसर में जो है हम लोग कर्मी कंसर्न धरना दे रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर के बड़कोट में एक दीर्घकालिक पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृत हो। तो नितिन चौहान इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। नितिन, जानना चाहूंगी, देखिए लोग लगातार परेशान हैं और इसके साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ इस मामले को लेकर अभी तक किया गया है, आश्वासन क्या मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऋतु, ये पिछले 23 दिनों से जो धरना है, कर्मी जो धरना है वो लगातार बड़कोट तहसील में जारी है और जो स्थानीय जो लोग जो धरना दे रहे हैं, कर्मी धरना में जो बैठे लोग हैं, उनका साफ तौर से एक ही बात कहना है कि बड़कोट के जो 7 वार्ड है, पेयजल संकट यहाँ पे लगातार बना हुआ है। यहाँ बड़कोट में किसी तरीके से जो है एक पंपिंग योजना की सौगात में, पंपिंग योजना के बाद जो है जो पेयजल संकट की जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो जरूर कम होगी। इसमें आज की अगर मैं बात बताऊं ऋतु, तो आज जो आंदोलनकारी है उन्होंने अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी जो विभाग है उसमें तालाबंदी, सांकेतिक तालाबंदी उन्होंने की है। सरकार की तरफ से अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो जल संस्थान है, जल संस्थान द्वारा एक निविदा नलकूप की लगा दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का जो स्थानीय जो आंदोलनकारी हैं, जो धरने भी जो बैठे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो नलकूप की जो निविदा जो लगाई गई है वो अपर्याप्त बड़कोट वासियों के लिए है, क्योंकि ये इसमें जो जिस तरीके से पानी की जो सप्लाई होगी वो पूरी पर्याप्त बड़कोट के लिए नहीं हो पाएगी। तो इन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि हमें बड़ी पंपिंग योजना चाहिए जिसे तिल्लाड़ी बड़कोट योजना का नाम दिया जाए और यमुना नदी से इसको अपलिफ्ट कर बड़कोट की तरफ पहुंचाया जा रही थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो चलिए अब आगे